सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, स्वागत है तुहाडा मंदर बाई यूट्यूब चैनल पर। अज आपां गलबात करनी है बासपती दे रेट ते, वी किवें रह सकदा रेट ऐतकी, ते आपां करदे हां चलो गलबात बासपती दे रेट ते। हाँ जी, जिहड़ा बासपती दा रेट है ऐतकी ज़्यादा रहन दा ही आसार है, भी घटन दे नहीं चांस कोई। इहदियां दो तीन वजह है, वो आपां तुहानूं दस्सदे हां भी किहड़े कारणां करके नहीं घटन दे आसार। पहली गल तां जिहड़ा रूस ते यूक्रेन दे विच जंग लग्गिया वा दो देशां दा, ये दोनों देश खाण वाली चीज़ा या खाण वाला मान लो अनाज वड्डे उत्पादक है, ये इत्थों उन्हां देशों तो यूरोप के जिन्ने देश है सारे देशों उत्थों कणक जाती है ते मक्की जाती है, होर भी जिहड़ी कोई फसल उत्थे हुंदी है वो उन्हां देशों नूं एक्सपोर्ट करता है। तो उत्थे जंग लगने करके हुण फसल भी उवें नहीं हुई, क्योंकि सांभ संभाल नहीं हुई, लड़ाई लगी है, लोग उत्थों निकल गए, थोड़े लोग रहे उत्थे, लोग देश छड्ड गए डरदे मारे भी लड़ाई लगी इत्थे मर जाएंगे, तो फिर उत्थे खेतीबाड़ी भी उन्नी नहीं हुई। बाकी कुछ जो जंग लग जाए फिर पता ही है भी की कुछ हुंदा, आपदी जान दी बनी हुंदी है। तो एक कारण तो बई जी सारे नालों वड्डा ये है जिहड़ा आपां सारे नालों वड्डा कारण मानते हैं। तो नंबर दो ते है बई जी, जे आपां पिछले सालां च वेखीए जदों किते मीह ज़्यादा पए आ हड़ आ जांदे आ, जिवें ऐतकी 8-10 स्टेटां 'च किन्ना पानी फिरदा है, ते आपां आने भी वो जे आपां पिछला टाइम वेखीए जदों आए हड़ आए है ज़्यादा मीह पिया पानी आए है तां उदों भी झोने का रेट जिहड़ा बासपती दा ज़्यादा हुंदा है। ये कुदरती है, कोई पता नहीं तो कोई फसलां मर जांदियां ते तां करके हो जांदा है। ते बाकी तीजा कारण आपां तुहानूं दस्सदे हां भी ऐतकी झोने बासमती दी लवाई बहुत घट है, लवाई घट मैं तुहानूं दस्सदा भी जिन्हां किसानां ने मक्की बीजी है जां मूंगी बीजी है, मक्की वालिआं ने तां जिन्हां ने वढ लईआं मक्कियां उन्हां ने तां ज़्यादा लोकां ने 126 झोना लाया, ते बासमती दी बजांद इस करके घटी है भी लेट वरायटी वधिया मिल गई 126 PR 126, ते किसानां ने उहनूं बहुत पसंद कीता, झाड़ भी वधिया कद भी हिसाब दा हुंदा उहदा ते टाइम भी घट लैंदी है। ते एक कारण ये भी है भी पिछले साल जिहड़ा 11-21 बासमती सी उहनूं बीमारी पै गई सी, ते उह झोने 30 माणी निकले सीगे, कित्थे 60-60 मण, 65-65 मण, 50-55 मण तां वी निकल आउंदा सी, ते उह घट निकलने करके ऐतकी डर च वी किसानां ने बहुत घट लाया, 11-21 दी बजाद बहुत घट होगी 17-18 हजे लाया। ते बाकी गौरमेंट ने 2000 तो उत्ते रेट हो गया जिहड़ा ऐतकी वधाया 2000 कुछ रुपये, किसानां ने सोचा भी पक्का रेट है, गौरमेंट की खरीद है भी, बासमती तां प्राइवेट खरीद सी
ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ 2000 ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, 75 ਕੁ ਮੰਨ ਨਿਕਲੇ, 30 ਕੁਇੰਟਲ ਤਾਂ 60,000 ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਚੱਲ ਪੱਕਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਈ ਬਾਸਪਤ ਦੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਐਤਕੀ ਝੋਨਾ ਬਾਸਮਤੀ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ MSP 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਬਾਸਮਤੀ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਈ ਸੀ, ਕਲਿੱਪ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਬਾਸਮਤੀ 8,000 ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਕੁਇੰਟਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੀ ਰੇਟ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ 8,000 ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕ ਜੇ ਬਾਸਮਤੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ।